भाई, कौन है भाई, बताओ भाई, कौन करता मेरी बीवी को तंग? आओ भाई, अल्लाह इकरा बाजी ने व्यूज के लिए अब रेंट पे गाड़ी लेना भी शुरू कर दी है। आपने किसे शादी कर ली? आप खुद तो इतनी प्यारी हैं और अरीब। पहली बार जो इनको लाइक करता है इनकी पोस्ट पे, उनको लानत है। और जो सनसनी खेज गाना आया था भाई, उस वीडियो पे लोगों ने आके जेन्युइनली अपनी भड़ास निकाली हुई। अच्छा सॉन्ग है पर पोस्ट नहीं करना चाहिए था। निबियो अपनी एज देखो, अपनी 28 साल की बहन से खुद को कंपेयर कर रही है। इकरा, आपने शावीर की पॉडकास्ट पे वो म्यूजिक वाली बात क्यों की थी? वैसे आज तक जो है वो मैंने अपने ऊपर होने वाली किसी भी किस्म की नेगेटिव कमेंट्री, ट्रोलर्स और किसी भी किस्म की रोस्टिंग को कभी भी जवाब नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किया। तो मेरी जो एस्ट्रोलॉजी फैमिली को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो कमेंट्स में मेरे लिए काफी हद तक बोल रहे होते हैं, वो मुझे भी इनबॉक्स में बोल रहे होते हैं कि भाई इकरा अभी आपने क्यों नहीं आज तक कभी नेगेटिव लोगों को जवाब दिया जो आपके बारे में सोशल मीडिया पे इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, इतनी बुरी चीजें फैला रहे हैं, तो आप कभी सामने आए और आके उनको जवाब दें। वैसे मेरा गिला कोई नहीं अपने हेटर्स से, उनको जो उनके पॉइंट से समझ आता है वो ये करते हैं। लेकिन आज मैं आ गई हूं आप सब लोगों के कहने पे अपने उन तमाम हेटर्स को, उन तमाम ट्रोलर्स को, उन तमाम मीमर्स को जवाब देने के लिए कि भाई आप लोग किस तरह से मेरी फैमिली को मैनिपुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे, गलत पहलू दिखाकर, इतने कहते हैं ना 2-2 सेकंड के क्लिप्स जोड़ जोड़ कर उस पे अपनी कहानियां ऐड करके आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज मैं दूंगी आप लोगों को उस चीज का जवाब। तो भाई आप लोग तैयार हैं? उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कोई भी हेटर जो है वो हमें गिरा नहीं सकता। मेरी एस्ट्रोलॉजी फैमिली इतनी है स्ट्रॉन्ग, हम लोग आज यहाँ पे और कल यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह। इंट्रो देख के तो मैं भी डर गया। अरीब साहब आप रेडी हैं? जी मैडम रेडी हूँ, आज रेडी हूँ, आज आगे आके आपके आगे कुछ नहीं बोलना मैडम, ठीक है? चले ठीक है, अगर रेडी है ना तो फटाफट वहाँ जाके सेटअप लगाए, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे हेट कमेंट का जवाब देना, तो उधर मुझे बैठना, चले आ जाए। वाह, हेट कमेंट कहीं कर रहे थे, मुश्किल मेरे से करवाओ। देखिए आप हस्बैंड है ना, सारा सेटअप मेरे से लगाओ। वाह, लाइट्स मंगवाई हुई है मैंने, प्रॉपर पूरा सेटअप, सामान आया हेट कमेंट वीडियो बनाने के लिए। गाइस समझ ले क्या होने वाला है आज। आज जो है ना वो कुर्सी पे रखे, हम अपना फोन सेट नहीं करेंगे आज, हमने उसके लिए प्रॉपर जो है वो ट्राइपॉड ऑर्डर किया, प्रॉपर लाइटिंग ऑर्डर। ये लाइट के लिए, और ऐसा है ना कि आज हेटर्स को ये पढ़ना है मेरे से। चले जी, अरीब साहब ने जो अपना स्ट्रेथस वो क्या कहते हैं टेलीस्कोप निकाल, अभी सेट होने में बहुत टाइम लगने वाला है। आज लगता है कोई अलग ही वीडियो बनने लगी है इकरा साहब की। हमारा सेटअप वगैरह लग चुका था और अब करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। हाँ भाई, ये हाँ भाई, कौन है भाई, बताओ भाई, कौन करता है मेरी बीवी को तंग? तुम लोगों को लगता है सिर्फ अपनी बीवी को रोस्ट कर सकता हूँ? आओ भाई, ज्यादा नहीं हो गया कुछ? नहीं, मजा आएगा। आज मेरी बीवी को तंग नहीं करना। ये देखो कानों में ना ब्लेड पहन के आ गई है, मैंने अभी देखा इयररिंग बदल के आ गई है। ये देखे, ये ब्लेड मार देगी किसी ने बदतमीजी की। ये देखे ठीक है, ये शेव करने के लिए। चले तो गाइस, हम लोगों ने ना ईद पे एक वीडियो पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, ठीक है? और उस पे जो है वो कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, और एक कमेंट आया हुआ था किसी अहमी सेज का कि सबसे अच्छी एक्टिंग बकरी ने। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ तो लड़का है लड़की? अहमी सेज है, जाके प्रोफाइल खोलेंगे तो पता चलेगा। पहले कमेंट पढ़ते हैं, इसका जो कमेंट है वो है जी सबसे अच्छी एक्टिंग तो बकरे ने की है। एक मिनट, इसकी प्रोफाइल तो खोलो, जरा प्रोफाइल तो देखे भाई। अहमी सेज भाई है भाई, ठीक है। पब्लिक फिगर है, बिल्कुल नजर आ, ह्यूमन है, इंसान है, लिखा हुआ बना, अगर ना लिखते तो पता नहीं चलना था हमें यार, ठीक है भाई। अहमी सेज भाई, अगर आप ना लिखते हमें पता ना चलता। स्टूडेंट भी है माशाल्लाह। और ये क्या है, लायर? अरे ये लॉयर उसने लिखा होगा, वकील बन रहा होगा ना। लायर लिखा हुआ है भाईजान। सही कमेंट किया आपने, लायर है आप, झूठे हैं, आपने सही कमेंट किया हुआ है। अगले पे चलते हैं, ठीक है भाईजान। एक ये मेरी बहन है, क्वीन 3497, ये क्वीन है वो भी 3497, ठीक है। तीसरे चौथे नंबर पे आती है? नहीं, तीसरे चौथे नहीं, 3497 नंबर पे आती है। अरे भाई किसाई दिख रहे हैं तो भाई। अरे वैसे मेरी बात सुने, मेरी बहन कसाई बना रहा था, कसाई दिखूंगा ना, कसाई भी इंसान ही होते, क्या हो गया यार। लेकिन वो लाफ्टन में, कोई बात नहीं, चले अगले पे चलते हैं। अगली
एक वीडियो जो कि मैंने आपको गाड़ी गिफ्ट की थी, इतनी प्यारी मैंने उसकी रील बनाई है, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। रुके पहले वीडियो तो देखो, वीडियो कैसे, वीडियो इतनी प्यारी वीडियो है यार, इतनी क्यूट वीडियो, वो स्पेशली मेरे हस्बैंड ने जब यूज देखा है, जो आप एकदम वो मोमेंट बहुत अच्छा, लेकिन वो यूज नहीं होती, खड़ी हुई चल नहीं रही। अच्छा कमेंट है किसी ओवेस इफ्तिखार भाई ने किया है, अल्लाह इकरा बाजी ने व्यूज के लिए रेंट पे गाड़ी लेना भी शुरू कर दी है, और रहते ये 5 मरले के घर में या 10 मरले के घर की कीमत वाली गाड़ी गिफ्ट में दे देती है। एक मिनट पहले मुझे ये बताओ, रेंट वाली गाड़ी मुझे दी हुई है। आप उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हैं? ये वैस भी रेंट वाले तो नहीं थे, इससे तो नहीं लगी तू? नहीं इससे नहीं, आप रेंट पे गाड़ियां देते हैं वैस? वैसे मैंने आपसे तो नहीं ली है गाड़ी, अस्तगफिरुल्लाह। एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस, अगर मैं गाड़ियां नहीं भी लेती तब भी मेरी वीडियोस पे व्यूज आते। अच्छा जी, तो अगला जो कमेंट है वो मैंने एक फोटो पोस्ट की थी अपने मीट एंड ग्रीट की, जो मैंने लाहौर में किया था, जो कि बहुत ही जबरदस्त था, उसमें तो बहुत एक्सट्रीम प्यार मिला था ना, बहुत प्यार भी और हेट वाला प्यार भी, हेट भी काफी मिला था भाई। एक कमेंट है तो किसी अली मीर 4570 ने कमेंट किया कि इनके घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। हाँ हाँ भाई, सालन वाली बात पहले आपकी क्लियर कर दूं, हम सालन बनाते ही नहीं। इसकी प्रोफाइल तो खोलो जरा, अली मीर भाई की है, अली मीर भाई क्या है भाई? गाइस बाकी इकरा ये फेक अकाउंट है, ठीक है गाइस, ये फेक अकाउंट है, 0 पोस्ट 1 फॉलोअर 7 फॉलोइंग, ये 7 फॉलोइंग में सारी सिस्ट्रोलॉजी फैमिली होनी है, ये कोई रिश्तेदार रिश्तेदार लग रहा मुझे। तुम सामने आके गल करो ना, फेक आईडीज के पीछे की गल कर रहे हो, सामने आके वो कहेंगे एक सेल्फी प्लीज। इसी पोस्ट के नीचे एक और कमेंट है भाई, इट्स किरण बाजी का, वो कह रही है कि बेचारियों ने बहुत गरीबी देखी, इतना तो हक बनता है, प्लीज डोंट डू बैड कमेंट्स। अच्छा, साथ साथ लोगों को रोक भी रही है, साथ साथ बातें भी लगा रही है, सार्कास्टिक हो रही है थोड़ा सा बाजी, चपेड़ मार के प्यार कर रही है। वैसे इनको मैं बता दूं बाजी, हमने बहुत स्ट्रगल की है, हमने अपने जर्नी में बहुत स्ट्रगल की, और मैंने जिंदगी में हर हालात देखे, अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से यहाँ पे बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी प्रोफाइल खोलते हैं। वाह कोकोमो बाजी का नाम होता है क्या? किरण बाजी ने अपना नाम रखा हुआ है कोकोमो, ये वो वाला कोकोमो है जो मुझे ना दो, हमें भी ना दो प्लीज। अब चलते हैं अपने YouTube, कहते हैं ना मदरलैंड पे चलते हैं, हमारा YouTube है भाई, YouTube आर्मी पे हमारी सारी सिस्ट्रोलॉजी आर्मी बैठी हुई है, वहां पे तो हमें ज्यादातर प्यार ही मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत हेट कमेंट आते हैं तो वो पढ़ते हैं हम लोग। अभी अभी जो आज मैं वीडियो भी अपलोड करके हटी हूँ, हेट कमेंट पे वीडियो बनाने से 3 मिनट पहले जो है ना वो किसी ने कमेंट किया, और कमेंट किया किसी अरीबा यूजर ने कि आपने किससे शादी कर ली, आप खुद तो इतनी प्यारी हैं और अरीब। मेरी बात सुनो, एक तो नाम आपका अरीबा, ठीक है, पक्की बहन अरीबा, पक्की मेरी बहन हो आप, और मेरी बिस्ती करी जा रही हूँ, हैं अच्छा खासा हूँ मैं, जहाँ गुजरता हूँ तो 4-5 लड़कियां मर जाती हैं, कौन मरती हैं? ये फंस गया सी है, नहीं कोई नहीं मरता भाई, अब आए ना लाइन पे। मिशी अंडरस्कोर की दुनिया कह रही है बहुत तेज चलाक लोग हो तुम, भाई हमने क्या चलाकी की है? ओके मिशी, बहुत तेज चलाक लोग हैं हम, ठीक है। अच्छा एक यूजर भाई है वो कह रहे हैं, इकरा आप रिप्लाई नहीं करती, शादी से पहले का मैसेज मैंने किया हुआ है, शादी का पहले का मैसेज तुमने उसको किया, वहां से रिप्लाई क्यों नहीं कर तुम उसकी? मैं क्या रिप्लाई करूं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है भाई है बहन है, पता नहीं नाम यूजर करके कुछ है, ठीक है। YouTube पे हेट कमेंट्स नहीं मिल रहे यार, अरे YouTube पे नहीं है, फिर वापस हम आ जाए Instagram पे आ जाए। अरे मेरी बात सुने, अभी Instagram भी छोड़े, मेरी बात सुने, हमारे YouTube पे एक ऐसा व्लॉग था जहाँ पे मैं समंदर में डूब रही थी और आपकी व्लॉगिंग चली थी, उसपे काफी तो इंडियन से भी हमें हेट आया था, हेट नहीं था, मीम्स बनाई थी, फन कर रहे थे लोग उसका, उसपे तो मुझे बॉर्डर पार से हेट आया था कि मुझे आया था उसपे, वो स्पेशल मुझे याद आ गया यार, ये तो मुझे मिल रहा, किसी ने कहा पानी में जाने के बाद असली चेहरा सामने आया। एक कमेंट आया हुआ है कि कैमरा नहीं रुकना चाहिए, इकरा डूब गया डूब। भाई मैं आपको आज ये बात क्लियर कर दूं, मुझे कसम से लग रहा था ये मेरे से मजाक कर रही है, लेकिन मजाक मैं बताता हूँ, मुझे लग रहा था मेरे से मजाक कर रही है, और ये सच्ची में डूबने नहीं चाह रही है कि मैं अंदर आ जाऊं पानी के, मैं क्योंकि मैं पानी का मेरे फियर था, मैं इसे जाया नहीं जा रहा था, तो मुझे ये लग रहा था, लेकिन जब वो पहुंची है ना बहुत दूर, तो फिर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने कैमरा बंद करके मैं भागा हूँ, फिर कि मैंने बुलाया लाइफगार्ड को, बुलाया तो बचा लो इसको, ये चली गई तो मैं क्या करूंगा। चले जी, अब जो वीडियो है भाई, इस ये वो पहली वीडियो थी जिसके बाद मुझे लगा कि यार अब मेरे ऊपर हेट कमेंट्स की बरसात शुरू हो गई है, और वो वीडियो थी मेरी इंगेजमेंट की वीडियो। किसी यूजर ने कमेंट किया है कि इतना ग्रैंड इवेंट, इसमें तो 5-6-7-8 वलीमे हो जाते हैं लोगों के। भाईजान वो इतना ग्रैंड इवेंट नहीं था, छोटा सा इवेंट था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च किए थे, और एक चीज मैंने सोच समझ के किए थे, इसने सोच समझ के नहीं किए।
गाइस मैंने क्यों नहीं सोच समझ के किए थे, क्योंकि मेरे खानदान का पहला इवेंट था, मैं मेरे खानदान का तो आखिरी था देखना। लेकिन गाइज ये जिन लोगों ने मेरे इंगेजमेंट की लुक को लेके बड़ा हेट फैलाया था ना, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि वो ब्राइड का ना बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो आपको ना इस बात का और मौके की मुनासबत का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की बहन बेटी की शादी हो रही है, उसको दुआओं के साथ आप जो है ना वो दुआओं का गुलदस्ता पेश करें, बजाय इसके कि आप उनको ट्रोल करें, रोस्ट करें। हमारी तो होगी, जो आने वाली बहन बेटी है ना उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात। मेरी भी चार बहनें बाकी हैं, किसी लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो थोड़ा सा ले लिया करो, तुम मीम्स बनाना स्टार्ट कर देते हो यार। बहनों के अलावा भी जिसकी शादी कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा ये जो वीडियो है जिसके मैं कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसमें अरीब साहब की टिंड थी, मैंने, राबिया ने, जैनब ने और अरीब ने मिलकर वीडियो बनाई थी, इसके कमेंट्स देखते हैं। कोमल खान है, कोई कोमल है खान, कोमल नहीं है, कोमल लिखा हुआ उसने अपने स्पेलिंग, कोमल। अच्छा। खान उसने कमेंट किया हुआ है, भाई निबियो अपनी एज देखो, अपनी 28 साल की बहन से खुद को कंपेयर कर रही है, अजीब जहालत है। 28 साल की हो? अरे नहीं यार उस वक्त नहीं थी मैं, अभी तो हम बच्चे हैं, 16 I'm sweet 16। बताया नहीं है लेकिन है? बताया नहीं है। वाह 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 भाई, खान साहब, कोमल खान साहब बिल्कुल सही कह रही हैं आप यार, आपकी बात को हम यार वो निबिया कंपेयर नहीं कर रही थी, वो बच्चियां अपने लिए कंटेंट बना रही थी और ये तब बड़ा ट्रेंड पे चल रहा था उस वक्त ना ये साउंड, तो ये बड़े लोगों ने बनाया था, इसलिए मेरी बहनों ने उस पे बनाया था। उनको एक बड़ा ही कोई सनसनी खेज कमेंट है दुआ 7520 का, कि पहली बार जो इनको लाइक करता है इनकी पोस्ट पे उनको लानत है, और जो वीडियो बनानी है उसको जाहिर कर रही, उससे ये जाहिर है कि बहुत मासूम है, पता नहीं है कि कौन कौन से, ये क्या कमेंट है, भी एक दफा आप देखें यार। मुझे एक बात बताएं दुआ साहब, दुआ साहब कह रहे हैं, दुआ बाजी मुझे एक बात बताएं, चले वो कह रही है, आपको क्या मसला है? हाँ। आप क्यों देख रही हैं? हाँ। आप देखे फिर कमेंट भी कर रही हैं और 5 मिनट उसमें जाया कर रही हैं, प्रॉपर पैराग्राफ आया हुआ है कि उन पे लानत भेजनी है जो देख रहे हैं, तो उसमें देख तो आप भी नहीं है। आप ही पढ़ गई कह रही है। एक है मलाइका फरूक कह रही है, अरीब भाई किंडर जॉय से मिल रहे हैं टिंड में ना, चॉकलेट वाला है वो ऐसा टिंड वाला, और आप मुझे किंडर जॉय जो है ना वो प्रपोज करते हुए दे भी तो रहे थे ना वो। ठीक है मलाइका बाजी, ठीक है मैंने मान लिया आपकी। फरिया हसन कह रही है, अरीब कांट परस्यू एक्टिंग करियर, लुक एट हिम। अरीब आपको एक्टिंग करनी है? यार मैंने करनी भी नहीं एक्टिंग, लेकिन मैंने कोशिश तो की है ना यार, अप्रिशिएट तो करे इस बात पे है। अरीब आपको ऑस्कर मिलना चाहिए जिसमें अच्छी अरीब की एक्टिंग स्किल्स है। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हेटर्स है ना और ये जो पॉडकास्टर्स हैं, ये निकाल निकाल के जो हमारी वीडियोस बना रहे थे, इनको हमसे पर्सनली कोई ग्रेड नहीं है, रिक्रिएट कर रहे होते हैं। हाँ, हमारी वीडियोस रिक्रिएट, इकरा बना होता, कोई ज़ैनब बना होता, कोई राबिया बना होता, कोई अरीब बना होता, ठीक है, तो प्रॉपर रिक्रिएट कर रहे हैं उनको, भाई हमसे पर्सनली कोई मसला नहीं, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, व्यूज का चक्कर है बाबू भैया, सिर्फ व्यूज का, सिर्फ व्यूज चाहिए, ठीक है। चले जी, एक मैंने फोटो पोस्ट की थी अपनी जंगल वाली फोटो, जिसमें जंगल किया था चैलेंज, जिसमें हमने किया था, और उसकी फोटो मैंने इंस्टा पे अपलोड की थी, एक लड़की ने ना कुछ बड़ा सनसनी खेज सा बदला भी लिया हुआ है और जोक भी मारा हुआ इकट्ठे, ठीक है। ये कुरत हेयर ने जो कमेंट किया है वो ये है कि घर का जू कम था जो वाकई जंगल में चली गई। आप हां बिल्कुल सीरियस हो गए यार। नहीं नहीं भाई, इस घर में जू नहीं है, इस घर में जू नहीं है, इस घर में इतने लोग नहीं है, कम लोग हैं, वो उस घर को जू कह रही है, एस्ट्रोलॉजी हाउस को जू, तो वो क्यों जू कह रही है भाई। अब क्या सीन है, अब किसकी बारी है भाई जान, अब भाई हमारा जो सनसनी खेज गाना आया था जिसने यूट्यूब पे तो 5 मिलियन हिट कर लिए, तो याद है आपको हमारा एक गाना आया था जिसमें ससुराल वालों का रिएक्शन भी लिया था, इतने थोड़ी देर पहले हुई है। हां थोड़ी देर पहले भाई, उस वीडियो पे लोगों ने आके जेन्युइनली अपनी भड़ास निकाली हुई, उसमें सिर्फ हम लोग फीचर हुए थे, गाना मैंने नहीं गाया था, हम में से किसी ने नहीं गाया, हम बहने गई थी दुबई शूट करने के लिए, तो उसके कमेंट्स रीड करते हैं। सबसे पहला कमेंट है जी आयशा खान 621438 का जी, तो कमेंट है कि अच्छा सॉन्ग है पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। उमैमा मुगल ने गाया है कि आई जस्ट अंडरस्टैंड, हो गया इन। इट्स मिनाइल शेख कह रही है, इससे अच्छे सॉन्ग्स तो ढिंचक पूजा के होते हैं। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। चले जी गाइस, एक कमेंट आया हुआ है, ये कमेंट भी है और एक क्वेश्चन भी है तुमसे, ठीक है, कि बेसिकली वो पूछ रहा है कि इकरा आपने शावीर की पॉडकास्ट पे वो म्यूजिक वाली बात क्यों की थी। अच्छा गाइस, ये वाली जो बात है कि मैं बहुत अरसे से जो है वो क्लियर करना चाहती थी, ये बहुत देर से जो है वो सोशल मीडिया पे सर्क्यूलेट कर रही थी, बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किया, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज से 1.5-2 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था जो कि 2 घंटे का लाइव पॉडकास्ट था, जिसके अंदर कोई भी आप कहते हैं ना ब्रेक मार्जिन, किसी भी किस्म का कट मार्जिन नहीं था, स्क्रिप्टेड नहीं था, एक लाइव फ्लो में एक बात चल रही मेरे ख्याल से।
इस चीज पर सबसे ज्यादा तुम्हें हेट मिला था? मैंने जब मैंने भी देखा जाहिर सी बात है बंदा सोशल मीडिया कर रहा होता देख रहा होता है तो इस चीज पे सबसे ज्यादा इकरा को ये हेट मिला था। उसे बात की थी मैंने इकरा को बड़ी बड़ी कहा था कि इकरा इसका ना जवाब दो, इसका जवाब दो। इकरा ने कहा था कि यार मैं देना चाहती हूँ लेकिन लोग जो है ना बहुत गलत तरीके से। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे उस पॉडकास्ट में की गई बात का 30 सेकंड का क्लिप उन मैनिपुलेटर्स ने, उन हेटर्स ने, उन नेगेटिव थॉट जो लोगों में इंजेक्ट करते हैं उन लोगों ने पकड़ के बेसिकली सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। कि मैं ये बात आपको लिख के दे सकती हूँ, आप में से किसी ने जाके वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा क्योंकि आपको पता है 1.5 घंटे की जो एक डिस्कशन होती है उसमें जब आप लाइव बात कर रहे होते हो तो आप जो है ना वो बात की लय आपकी कुछ और होती है। लेकिन जिसने क्लिप निकालना है, जिसने उसके बारे में नेगेटिविटी फैलानी है, जिसने व्यूज लेने के लिए आपका नाम लेके आपके बारे में नेगेटिव और हेट फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे, जब उन्होंने बात करनी होती है तो वो फिर ये नहीं देखते, वो फिर छोटी सी चीज निकालते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं चिंगारी। बेसिकली दे कांट सी कि एक लड़की कैसे तरक्की कर रही है, एक लड़की यहां तक पहुंची कैसे है इतने सारे मैदान में, ये लड़की क्यों, लड़की होकर इतनी तरक्की क्यों कर रही है। तो बेसिकली उन लोगों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो कि वो मैनिपुलेटर्स का काम अदा करते हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने उन तमाम लोगों के लिए जो बेसिकली मेरी इस स्टेटमेंट से शायद हर्ट हुए हैं, जो कि मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी। आप अगर पॉडकास्ट देखते हैं आपको पता है उसमें सेगमेंट्स जो है ना वो डिवाइड होते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं ये बात मनिकाट रहा हूँ कि आधा सच बताना भी ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये यानी कि किसी को गुमराह कर रहे हो आप, किसी को आप गलत तरफ लेके जा रहे हो, आपने उसको काफिर कह दिया, शुरू कर दिया। अल्लाह माफ करे, आप कौन होते हैं ये बात कहने कुफर के फतवे तक लग गए मुझ पे और मुझे इतना, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी उस चीज पे। लोगों को लगता है कि शायद सोशल मीडिया पे हम इन्फ्लुएंसर्स हैं तो हमारी लाइफ बड़ी हैपनिंग चल रही है, हमें इन चीजों से फर्क पड़ रहा होता है क्योंकि डीप डाउन हम इंसान हैं। और ये चीज मुझे बहुत अफेक्ट करी थी, मेरे प्यार करने वाले हर्ट हो रहे थे, मुझे उस चीज से और फर्क पड़ रहा था कि मैं उनको बता भी नहीं पा रही मैं किस सेंस। लेकिन आज मेरे पास ये मौका आया तो मैं आप लोगों के सामने खुला सच लेकर आई हूं कि आप लोग अगर पॉडकास्ट देखते हैं आपको पता है कि वो सेगमेंट्स में एक चीज डिवाइड हुई होती है। ऐसी एक सेगमेंट था जिसपे हम शेर और शायरी के बारे में बात कर रहे थे। वो नीचे मेंशन है कि शेर और शायरी का सेगमेंट है ये। तो बेसिकली बात हो रही थी शेर और शायरी की कि किस तरह जो पुराने वक्तों में शायर हुआ करते थे वो लिखा करते थे, वो हमद लिखते थे जैसे अल्लाह के लिए लिखा करते थे, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते थे। तो वो एक कनेक्टिविटी की बात हो रही थी कि किस तरह हम लफ्जों से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस वहां पे जो यही बात चलते 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 हम शेर और शायरी की बात कर रहे थे कि मैंने जो है मेरे से एक छोटी सी गलती होगी और वो गलती ये थी कि मैंने उस फिक्रे में जो है वो एक गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया था, जो था गाना, कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था और वो मेरी गलती थी। लेकिन उसका जो फायदा, गलती भी इसलिए हुई है क्योंकि आप लाइव पॉडकास्ट पे बैठे हुए आपके पास रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्ड तो नहीं ना हो रहा है कि ना एडिटिंग का मार्जिन है कि बाद में आपने कट कर दिया, वो किसी की चीज थी, वो कोई और कर रहा था, आपने उस चीज को उठाया, उस क्लिप को उठा के बस हेटर्स ने उसको उठाया और किसी तरह यानी कि बस उसको फैला दिया कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं अपने प्यार करने वाले लोगों से मैं माजरत करती हूँ कि उन मेरी वजह से अगर उनके सेंटीमेंट्स हुए हैं, अगर उनको किसी तरह से दिल आजारी हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ इस चीज की क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती थी और मेरी ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं। और बाकी रह गई बात इन हेटर्स की, तो भाई उनको तो मौका चाहिए मेरे ऊपर वीडियोस बनाने का। मैंने खुद ये देखा है कि किसी और से परमिशन लेके वीडियोस बना रहे होते हैं और यानी कि लड़कियां लड़की से परमिशन नहीं लेनी, क्यों भाई, कौन आसमान से आए हो यार, कोई बैठे हुए हैं पॉडकास्ट करने बैठे हुए हैं, ना कुछ पता ना कुछ क्या बात हो रही है, एक जीरो नॉलेज है और उसके ऊपर बात करी जा रहे हैं। एक मुझे अभी भी याद है, शादी हुई थी हमारी तो उसमें ना किसी एक पॉडकास्टर का भैया है, पता नहीं मुझे कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है, इकड़ा के बाल गिले थे उस पर, उसने इतनी गलत बातें करना शुरू कर दी। हाँ। मेरा दिल करे मैं उनसे जाके सवाल पूछूं, भाई जब आपके घर कोई नहाता है तो कोई गलत काम करके आते हैं आप? नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ रोस्ट, आप किसी को पूछे बगैर समझे बगैर कुछ भी बोली जा रहे हो, ना आपने देखना कि क्या बात कर रहे हो, किसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई तुम्हें व्यूज चाहिए, किसी और ना ले लो व्यूज, एटलीस्ट वो किसी को डिग्रेड करके व्यूज तो नहीं ना ले रही, किसी के बारे में दिल जाहिर तो नहीं ना कर रही। आई नेवर स्पीक हेट अबाउट एनीवन, मैंने कभी किसी के बारे में ना सोशल मीडिया पे बुरा कमेंट किया। कोई भी उठता है रोस्ट करना शुरू हो जाता है, भाई तुम्हें व्यूज चाहिए ना तो भाई तुम किसी तरह और व्यूज ले लो या कोई अच्छा काम करके भी ले लो, किसी को सिंपल कोलैबोरेशंस कर लो भाई, क्या लोग हमारे दोस्त ना, फिर बाद में खुद परमिशन भी ले रहे होते बाद में अब फिर डर लग जाता है कि स्ट्राइक ना आ जाए कुछ ना हो जाए। तो मेरा भाई इनके लिए आप अपने देखें, रोस्टिंग करना बड़ा आसान है यानी कि किसी को बोलना बहुत आसान है, उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना वो आप लोगों को नजर नहीं आती उसको, यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि कितनी स्ट्रगल करके क्या करके
यहाँ तक पहुंचा हुआ है। और बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी के यहाँ पे सस्टेन करना, अपनी जगह बनाना, और मैं डेली अपनी फैमिली जो मेरी सिस्ट्रोलॉजी आर्मी है उनके लिए डेली मैं कंटेंट बना रही होती हूँ, मैं किस तरह से बना रही होती हूँ, मैं कैसे चीजें मैनेज कर रही होती हूँ, ये किसी को नहीं देखता। वो एक भाई है वो मुझे याद आया, अब ऐसा ऐसा याद आ रहे सारे सालों की मंजी ठोकनी है ना, वो बैठे हुए हैं जी पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, इसके इतने क्यों व्यूज आ रहे हैं, इसके इतने क्यों व्यूज आ रहे हैं, इसको क्यों देख रहे हैं लोग, इसको क्यों देख रहे हैं। भाई अल्लाह ने इसको इज्जत दी है तो आप क्यों जलस हो रहे हो, अल्लाह से दुआ मांगो, मेहनत करो, अल्लाह भी आपको भी इज्जत दे देगा। इतनी जेलसी कि अल्लाह मैं तौबा अस्तगफार। कोई मैंने ये भी देखा, कोई और यूट्यूबर मशहूर है, आप इसको जानते हो, इसको नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, ये क्या बात हुई यार। हाँ। अल्लाह तौबा करो कुछ यार, कंपैरिजन शुरू कर रहे आ, आपको नहीं आपको जानते भाई, हम क्या करें भाई, हमने क्या नहीं जाने, हमारी गलती है वो नहीं जान रहे आपको। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं लोगों के बारे में देखती हूँ कि भाई इनके कॉन्टेंट में ऐसा क्या है जो लोग इनको देखते हैं, इनके व्लॉग्स में तो ये है कि भाई आप मेरा व्लॉग क्यों देखने आए, आपको किसी ने न्योता भेजा था, आप आके मेरा सबसे ज्यादा वही देख रहे होते हैं। आपको तब तक कोई चीज तो मिले, कोई चीज निकाले सबसे उनको, और यूट्यूब रिकमेंड को करता है जो वो देख रहे होते हैं निकाल के। आपने मेरा नाम सर्च किया, सिस्ट्रोलॉजी सर्च किया, इकरा कवल सर्च किया, आपने क्यों किया? अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में कोई बात नहीं है, या मैं कंटेंट नहीं है, मैं क्या बना के दिखा रही हूँ लोगों को, आपने क्यों देखा मुझे बताएं आप जरा, कि लॉगरिथम जो यूट्यूब के भी है ना वो भी ये चीज आगे रिकमेंड कर रहे होते हैं। एट द एंड सिर्फ गेम ये है कि व्यूज चाहिए, ठीक है, व्यूज के लिए अगले को जितना गिरा सकते हो गिराओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो नहीं ना करते, अपना जो काम कर रहे चीजें वगैरह कर रहे सुकून से कर रहे हैं ना, किसी को तंग तो नहीं ना कर रहे, किसी को नीचे गिरा तो नहीं ना, तो हम तो नहीं लगा रहे, खुद गंदी गंदी गालियां निकाल रहे वीडियोस में, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं व्यूज की खातिर, और दूसरों को कह रहे कि ये माशरा खराब करे। और भाई सबसे बड़ा माशरा तुम खराब करे गालियां निकाल के दूसरों को डिग्रेड करके, तो भाई जान ये अपने पहले अपना गिरबान जाके फिर किसी को और को बात करें। अरीब मेरे हस्बैंड बहुत जज्बाती हो गए, सारे दिल में बातें लेकर कॉमेंट्स पढ़ रहे हैं, एंड ही इज लाइक इकरा ये भी, इकरा ये भी। अच्छा कॉल सुन लूं, मैं करता हूं, आप कॉल सुने, मैं लोगों को बताऊं कि गाइस मेरे ना डिग्री के बारे में बहुत से लोग बात करते हैं कि किसने इनको डॉक्टर बना दिया, ये तो भाई 5 साल की डिग्री ली है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रैक्टिस करते करते उसको ब्रेक लगा के मैंने सोशल मीडिया फील्ड ज्वाइन किया था मैंने। और ये जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं ना, ये बात उनको आइडिया होगा कि मैंने कहां से स्ट्रगल किया, मैं किस तरह से पढ़ती रही हूं, मेरे साथ जो पढ़ते भी थे उनको भी पता है भाई आप लोगों को मुझे ला के अपनी डिग्री नहीं दिखानी कि मैं कौन सी डॉक्टर हूं, मैं क्या करती हूं, ये हेटर्स को मैं बोल रही हूं, ठीक है, जिनको मेरी डिग्री से ज्यादा मसला हो रहा है, ये कौन सी डॉक्टर है, सीटें जाया कर दी, गवर्नमेंट की सीटें जाया कर दी। भाई मैंने प्राइवेटली मेडिकल में स्टडी की थी, मेरे बाप को शौक था कि मेरी बेटी के नाम के साथ डॉक्टर लगे, उन्होंने मुझे भर्ती करा दिया और मैं डॉक्टर बनकर निकल आई हूं, और अब मैं डॉक्टर इकरा कवल हूं, आप जो मर्जी कह ले मैं वही रहूंगी, मैं नहीं बदल जाऊंगी, ठीक है। मेरी अम्मी को भी शौक था कि मैं इंजीनियर, मेरे बेटे के सामने इंजीनियर लगे, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग रही थी, उसके बाद कहती बेटा तू जो मर्जी कर पढ़ ले पढ़ाई पूरी कर। तो अरीब साहब लेकिन अच्छी पढ़ाई की है ना, देखो जब अपनी मर्जी का फिर किया इंजीनियरिंग पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा ये YouTube मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ, YouTube मैंने अपनी मर्जी से, पापा को मैंने कहा था पापा मेडिकल जाने से पहले, कहते बेटा मेडिकल में एडमिशन ले लो, मैं करा दूंगा, तू बस दिल लगा के पढ़ना है, 5 साल पूरे कर मेरा पुत्र, उसके बाद तू जो कहेगी वो करवाऊंगा। फिर जो है ना मैंने कहा पापा जी मैंने जो है ना वो टेलीविजन ज्वाइन करना है, एंड देन ही सपोर्टेड मी। वीडियो ज्यादा सीरियस हो गई थी गाइस, सो किसी की दिलदारी हुई हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने सिखाया, अगर फिर भी किसी की दिलदारी हुई आई एम रियली सॉरी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं तो फिर आप सुनने के भी हिम्मत रखें। पर ये मेरे ख्याल से ये पहली और आखिरी बारी है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह फिर कोई नई हेट आएगी फिर उस पे बात कर लेंगे। हेट तो अरीब कहते हैं जिंदगी में, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप लोग खुद ग्रो करना चाहते हो तो लोगों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो, आप अपने बारे में अच्छा गुमान करो, अपने बारे में अच्छा सोचो, बड़ो फूलो। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी ग्रो करे, मेरा कंटेंट प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि मैं खुद ग्रो कर रही हूँ और मुझे देखने वाला हर बंदा किसी डिप्रेशन में है, अनहैप्पी है, अपनी लाइफ में कहीं फंसा हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे और वो खुश हो, उनके चेहरों पर स्माइल आए। और हमारा कॉन्टेंट मोस्टली ऐसे ही होता है कि हमारा मकसद है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, लेकिन अगर लोग हमारे साथ ये करेंगे ना, ये हेटर्स आके हमें डिस्टर्ब करेंगे और हमारे रास्ते आके हर्डल्स मचाएंगे ना, तो भी ये फिर गलत बात हो जाती है, ये अच्छी नहीं है। सो जी गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो आज का भरपूर ठीक है, तमाम हेटर्स को उनका जो है वो जवाब मिल गया होगा। और मेरे प्यार करने वाले तो वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है, सिस्ट्रोलॉजी आर्मी आई लव यू ऑल, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, और तुसी जरा कॉमेंट दे थल्ले आके लड़ दे हो ना, ओए होए होए होए, मुझे वो कमेंट पढ़ने का बड़ा मजा आता है, लड़ रहे होते हैं लिटरली। सिस्ट्रोलॉजी के नाम से पता नहीं कितने इंस्टाग्राम पेजेस बने हुए हैं मेरे, इतने सारा फैन पेजेस बने हुए, कभी हम उनके भी इंशाल्लाह रिएक्ट करूंगी, आप लोगों ने जितने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाए होते हैं इंशाल्लाह 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 आप लोगों की एडिट्स पे भी मैं रिएक्ट करूंगी, जितना लोग मुझे प्यार करते हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।